सब सेफ हैं, कोई मसला मेरे, मेरे मेरा मेरी गट फीलिंग भी है, मेरा मानना है कि इमरान सेफ है अल्लाह के फजलो करम से, और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक पैनिक, ये रेन ऑफ टेरर था ना, जो रेन ऑफ टेरर, ये उसके मानने वाले हैं उसी टेक्निक के तहत कि जी जरा दहशत फैलाकर हम वाटर्स तो टेस्ट करें कि क्या लोगों को पता है कि वो सेफ है। सिर्फ एक इज़्तिराब की कैफियत, एंग्जाइटी की कैफियत क्रिएट करना, और जुल्म किस पे हो रहा है, बच्चों पे हो रहा है, उसकी बीवी पे हो रहा है। जितने दिन गुजर रहे हैं इससे बहुत सारी चीजें अयां हो रही हैं, हमारे सिस्टम के फॉल्ट और सिस्टम की सड़ांड है, जो कि सिस्टम रॉट कर गया है, कि भाई क्या वजह है कि आपको अभी तक पता ही नहीं चल सका वो है किधर। आज जज साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की है, और मैं समझता हूँ वो आज का हासिल गजल था, कि अगर उसको कोई इतना सा भी कोई हार्म होता है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। के केस में जज साहब ने बड़ी क्लियरली वो जो बात की है बड़ी अहम है, कि मुझे कंसर्न उसकी जिंदगी से है, मैं फिक्रमंद उससे हूं, और मैंने पूरी कोशिश करनी है, अदालत की पूरी कोशिश है टू एंश्योर कि वो जिंदा है, अनहर्ट है, उसे कोई ऐसा वो मामला कोई नहीं किया। सब सेफ हैं, कोई मसला मेरे, मेरे मेरा मेरी गट फीलिंग भी है, मेरा मानना है कि इमरान सेफ है अल्लाह के फजलो करम से, और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक पैनिक, ये रेन ऑफ टेरर था ना, जो रेन ऑफ टेरर, ये उसके मानने वाले हैं उसी टेक्निक के तहत कि जी जरा दहशत फैलाकर हम वाटर्स तो टेस्ट करें कि क्या लोगों को पता है कि वो सेफ है। सिर्फ एक इज़्तिराब की कैफियत, एंग्जाइटी की कैफियत क्रिएट करना, और जुल्म किस पे हो रहा है, बच्चों पे हो रहा है, उसकी बीवी पे हो रहा है। जितने दिन गुजर रहे हैं इससे बहुत सारी चीजें अयां हो रही हैं, हमारे सिस्टम के फॉल्ट और सिस्टम की सड़ांड है, जो कि सिस्टम रॉट कर गया है, कि भाई क्या वजह है कि आपको अभी तक पता ही नहीं चल सका वो है किधर। आज जज साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की है, और मैं समझता हूँ वो आज का हासिल गजल था, कि अगर उसको कोई इतना सा भी कोई हार्म होता है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। के केस में जज साहब ने बड़ी क्लियरली वो जो बात की है बड़ी अहम है, कि मुझे कंसर्न उसकी जिंदगी से है, मैं फिक्रमंद उससे हूं, और मैंने पूरी कोशिश करनी है, अदालत की पूरी कोशिश है टू एंश्योर कि वो जिंदा है, अनहर्ट है, उसे कोई ऐसा वो मामला कोई नहीं किया।